10 मई से केदारनाथ धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में श्री केदारनाथ धाम यात्रा के दौरान 8 हेली कंपनियों अपनी हेली सेवाएं देंगी। यह कंपनियां गुप्तकाशी पाता शिरसी से अपनी उड़ानें भरेंगी, जबकि ट्रांस भारत एविएशन को 2 जगहों से उड़ाने की स्वीकृति मिली है। वहीं जिला पर्यटन अधिकारी एवं हेली सेवा नोडल अधिकारी राहुल चौबे ने बताया कि इस बार 8 हेली कंपनियों की सेवाएं चलेंगी, जिसमें 1 हेली कंपनी को 2 स्थानों से हेली सेवा उड़ानों की अनुमति मिली है। साथ ही IRCTC के माध्यम से मई जून माह और सितंबर अक्टूबर माह के लिए भी अभी तक 40,000 लोग टिकट बुकिंग कर चुके हैं। अगर इन बुकिंग टिकटों में से कोई टिकट बुकिंग कैंसिल होती है तो IRCTC फिर से बुकिंग खोलेगी। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। शुक्रिया। देखेंगे कि 2024 यात्रा के अंतर्गत हमारी 9 हेली कंपनी, मतलब 8 हेली कंपनीज हैं, जिसमें 1 कंपनी को 2 जगह से संचालन का प्राप्त हुआ है, जिसमें ट्रांस भारत एविएशन को फाटा और गुप्तकाशी से ऑपरेट करना है। बाकी गुप्तकाशी में 2 कंपनीज, फाटा में 4 और सिरसी में 3 कंपनीज द्वारा ऑपरेशन किया जाएगा। अभी तक जो जनरल टिकट्स हैं IRCTC के माध्यम से मई और जून दोनों माह के लिए व सितंबर व अक्टूबर दोनों माह के लिए पूर्ण रूप से बुक हो चुके हैं, जिसकी संख्या लगभग 40,000 के आसपास है। और अभी जैसे जैसे कैंसिलेशंस होते हैं तो उस हिसाब से भी बुकिंग खोली जाती है IRCTC में। जैसे कि अभी 2 दिन पहले 6 तारीख को IRCTC द्वारा जो कैंसिलेशंस हुए थे टिकट्स में, उनकी बुकिंग खोली गई थी दिन में 12 बजे।